Hello friends, I am Dr. Pooja Mishra from Jabalpur Eye Care. I am an eye specialist, phaco surgeon and a cornea specialist. इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद मरीजों को क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अक्सर मेरे ओपीडी में मरीज आते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन से पहले हमें क्या खा के आना चाहिए, ऑपरेशन से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो उन सब सवालों के जवाब देने के लिए सर्वप्रथम ऑपरेशन से एक रात पहले जो है मरीज को रिलैक्स रहना चाहिए। स्वाभाविक है कि मरीज को टेंशन होगा कि कल मेरा ऑपरेशन कैसा होगा, क्या होगा। अगर ऐसे कुछ अत्यधिक अगर चिंता हो रही है जिसके कारण मरीज ठीक से सो भी नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में मरीज को डॉक्टर अपने आप के डॉक्टर को बताना चाहिए कि मेरे को नींद की दिक्कत हो रही है और मैं चिंता के कारण सो नहीं पा रही। तो आपके डॉक्टर जो है वो आपको नींद की एक गोली दे सकते हैं। ये नींद की गोली खाने में कोई भी डिसएडवांटेज या आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मरीज जितना रिलैक्स रहेगा उतना ही सर्जन के लिए आरामदायक होगा सर्जरी। दूसरा, सर्वप्रथम सुबह उठ के मरीज का पेट साफ होना चाहिए। दूसरा, हल्का उसको चाय या बिस्किट खा के आना होता है। बीपी की, शुगर की, हार्ट की या अन्यथा और जितनी दवाइयां हैं, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है और वो प्रातःकाल लेता है तो उसको वो सब दवाई कंटिन्यू करके रखना चाहिए, वो दवाई उसे बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऑपरेशन के दौरान मरीज को जितना शांत और रिलैक्स रह सकता है उतना, मरीज जितना डरेगा, जितना सिर हिलाएगा उतनी दिक्कत होगी। हम लोग टॉपिकल और लोकल में सर्जरी करते हैं। टॉपिकल यानी एनेस्थीसिया का ड्रॉप देते हैं और लोकल यानी उस एरिया में इंजेक्शन लगाते हैं। टॉपिकल का हम उसी तरह, जो मरीज जितना रिलैक्स होगा, जितना कोऑपरेटिव होगा, जितना ऑपरेशन के टाइम कम बात कर रहा होगा, इसमें हम जनरली टॉपिकल एडवाइस करते हैं। और जो मरीज जितना एप्रीहेंसिव होगा, जितना डरा हुआ होगा, रेस्टलेस होगा, उसमें हम लोकल इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये मरीज पे डिपेंड करता है एक तरह से कि उसको इंजेक्शन वाला ऑपरेशन करवाना है या ड्रॉप वाला। दूसरा, ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को जनरली आधे घंटे बाद कुछ खिलाया जाता है, पोहा या दलिया या कुछ भी हल्का, क्योंकि सुबह से मरीज कुछ खाया नहीं होता हल्का, तो हो सकता है मरीज को सिर दर्द वगैरह ये सब दिक्कत हो। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को कोशिश करना चाहिए कि वो जितना आराम करे, जितने आराम से लेटे उतना अच्छा है। ज़्यादा बात करना, ज़्यादा खांसी करना या अगर उल्टी की टेंडेंसी या किसी तरह का नशा करना, ये सब जो है उसके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन तुरंत ही हुआ होता है। इसलिए जितना वो आराम से रहेगा वूंद उतने आराम से हिलेगा, जितना वो उत्तेजित होगा, जितना वो बात करेगा, जितना वो नशा लेगा उतना आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आई होप फ्रेंड, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद और पहले क्या क्या हमें सावधानियां लेनी चाहिए। साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर पूजा मिश्रा। थैंक यू।